हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एकता और आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ मीशो हॉल अपना। तो मैंने कुछ चीज़ें खरीदी हैं मीशो से, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और एज़ यूजुअल सबके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो मेक श्योर चेक कर लें। और बिल्कुल देर नहीं करते हैं स्टार्ट इस हॉल को। सो सबसे पहला है ये ट्यूनिक गाइस। मुझे आजकल पता नहीं ट्यूनिक का काफ़ी चस्का चढ़ रहा है और मुझे काफ़ी लोग आप में से बोलते भी हो कि मैम हम क्रॉप टॉप तो पहन नहीं पाते हैं, तो आप कोई ऐसे टॉप दिखाओ कि वेस्ट से नीचे आए। तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि आपकी जो डिमांड होती है थोड़ा सा मैं पूरी कर सकूँ। तो ये है वो ट्यूनिक जो मैं ख़रीदा है मीशो से, बहुत ही ब्यूटीफुल है। सबसे पहले आप इसका कलर देख लो यार, इतना सुंदर कलर है। इस कलर का मेरे पास कुछ है भी नहीं, बहुत सुंदर वाला ग्रीन कलर है। एंड देन इसके ऊपर आपको ये पूरी एम्ब्रॉयडरी वर्क मिलता है विच लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इस ट्यूनिक की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, मतलब आप चाहें तो इसे शॉर्ट ड्रेस भी बना सकते हैं, बट आई विल नॉट रिकमेंड दैट। लेकिन आप इसे धोती पैंट्स के ऊपर ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, तो उस पर भी ये काफ़ी कूल लगेगा। देन उसके बाद आपको ये सामने की तरफ ना डोरी मिलती है विच इज़ ऑल्सो इन ग्रीन एंड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में। थोड़ा मैं पास से आपको दिखा देती हूँ, तो ये भी बहुत सुंदर है। देन उसके बाद आपको ये 3/4 स्लीव्स मिलती हैं। इसका फैब्रिक है रियॉन, तो कंफर्टेबल बहुत है वेयर करने में। प्राइस के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम वाला ट्यूनिक है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, इसको ख़रीद लो अगर आप चाहें तो। इसमें काफ़ी सारे कलर्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप यही वाला कलर चुनना। नेक्स्ट मैंने लिया है एक स्लिंग बैग, लेकिन ये ऐसा वैसा कोई स्लिंग बैग नहीं है, ये है बॉक्स बैग। क्योंकि इसका ये वाला मटेरियल है ना, ये सॉलिड है, किसी भी फैब्रिक का नहीं बना है, ये एक्राइलिक है। आई थिंक प्लास्टिक के बॉक्स जैसा लगता है, जैसे हम स्कूल में ले जाते थे ना टिफिन बॉक्स, तो वैसा लगता है। बट ओवरऑल ये आजकल काफ़ी ज़्यादा इन है, इसलिए मैंने लिए। एंड आपको तो पता ही है कि मुझे लेपर्ड प्रिंट कितना पसंद है, वैसे तो बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन थी उनके पास, बट मैंने ये चुना, आदत से मजबूर हूँ ना मैं। देन आपको ये भी दिख जाएगा कि इसके बॉक्स में ना ये अगेन ये क्रिस क्रॉस वाला भी पैटर्न बना हुआ है, काफ़ी शाइनी मटेरियल है इसका। इसके साथ ये वाला स्लिंग आता है पूरा, और इस पर लिखा हुआ है फॉर एवर यंग। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊँ ना, तो गाइज इसमें कोई ऐसा जिप वगैरह तो है नहीं, क्योंकि ये बॉक्स टाइप है। देन आपको ये मिल जाता है एक चीज़, ये भी आप ऐसे नीचे लगा सकते हो। एक तो ये है और एक ये वाला है, तो आप यहाँ पे चीज़ें रख सकते हैं और बीच में तो आप रख ही सकते हैं। ओवरऑल मुझे ये काफ़ी पसंद आया, मतलब मैं इसे यूज़ करने वाली हूँ, ऐसा नहीं है कि ये रखा रहेगा। अच्छा, यहाँ पे भी फॉरएवर यंग का लोगो लगा हुआ है, पता नहीं ये ब्रांड नेम है क्या, फॉरएवर यंग। एंड मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है जितने प्राइस के हिसाब से मैंने ये बैग लिया। स्लिंग बैग्स इतने अफोर्डेबल नहीं मिलते हैं, लेकिन ये ट्रेंडी बैग और क्वालिटी भी अच्छी है, तो आप तो ले ही लो ये। उसके बाद गाइस मैंने ली है एक साड़ी जो कि है सैटिन की, और ये है वो साड़ी गाइस। इस पे ये जो प्रिंट है ना, ये पूरा जयपुरी प्रिंट है, और इसमें ना कलर्स भी अवेलेबल थे, लेकिन जो मॉडल ने पहन रखा था ना उस पे तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने लिया। और ये वैसे मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया था, काफ़ी अफोर्डेबल साड़ी भी है। मुझे साड़ी पहननी बिल्कुल नहीं आती है, पता नहीं मैं इस वीडियो में आपको ट्राई ऑन पार्ट भी दिखा पाऊँगी इसका कि नहीं। मैं ट्राई करके देखूँगी यार, अगर मैं पहन लेती हूँ तो मैं दिखा दूँगी आपको कि कैसी लगती है ये, अदरवाइज़ आई एम सो सॉरी। लेकिन ये बहुत ही सुंदर वाली साड़ी है, प्लस इसका फैब्रिक जो है ना वो शाइनी शाइनी वाला फैब्रिक है। और हाँ, मैं ये बता देती हूँ आपको, जो मेरी मम्मी की हाइट है ना वो 5'4" है, वो थोड़ी सी हेल्दी भी हैं, तो उनको ये छोटी आ रही थी, लेकिन मम्मी ने बोला कि इसका ब्लाउज़ नहीं निकलवाएंगी वो, क्योंकि वैसे छोटी पड़ रही है साड़ी। बट ये ऐसी साड़ी है गाइस कि आने जाने में थोड़ा हल्का फुल्का अगर फंक्शन भी हो तो उसके साथ आप पहन सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रिंटेड साड़ी है, प्लस मुझे जो जयपुरी प्रिंट्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट आइटम लिया है गाइस, ड्रेस मटेरियल लिया है मैंने, ये कोई सूट नहीं है बना बनाया, तो ये अनस्टिच सूट है जो कि मैंने लिया है। ये मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया है, क्योंकि मम्मी जो रेडीमेड सूट होते हैं ना वो कम पहनती हैं,
वो सिलवाती ही हैं, तो मैंने लिया है ये अगेन जयपुरी प्रिंट में। पता नहीं, ये मेरी मम्मी को भी पसंद आया था, मम्मी की पसंद ही लिया है मैंने। सो सबसे पहले ये देख लो यार, बहुत ही सुंदर प्रिंट है। ये है पूरा ग्रीन कलर का, एंड नीचे की तरफ ये आएगा, मतलब ये जो कुर्ता है ना, इस तरीके से बनेगा जब आप बनवाओगे। एंड मैं आपको पूरा ये प्रिंट और एम्ब्रॉयडरी दिखा देती हूँ। ये एम्ब्रॉयडरी है थ्रेड वर्क की जो हो रखी है, साथ में आपको ऐसे फेक मिरर भी मिलते हैं। बहुत सुंदर लग रहा था ये, इस पर काफ़ी अच्छी रेटिंग्स भी थी, रेटिंग देख के लिया। और जब ये आया ना, इसका फैब्रिक का मटेरियल बहुत अच्छा है, वैसे इतना सस्ता तो नहीं है ये, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी आई, तो इस चीज़ में मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ बिल्कुल भी। अच्छा, मैं इनकी लेंथ बता देती हूँ। इसका कपड़ा जो है वो है 2.5 मीटर, इसका भी कपड़ा है 2.5 मीटर। अब आ जाते हैं इसके दुपट्टे पे, इसका दुपट्टा भी बहुत सुंदर है गाइज। ये है उसका दुपट्टा, तो यू कैन सी ये बॉर्डर पे आपको ऐसे शाइनी शाइनी पैटर्न मिल रहा है, अंदर की तरफ भी ऐसे शाइनी पैटर्न मिल रहा है। देन आपको ऐसे दुपट्टा पूरा मिल जाता है जयपुरी प्रिंट में। ऐसे दुपट्टे ना आप किसी और सूट पे भी पहन सकते हो, चल जाते हैं। प्लस ये कॉटन फैब्रिक है, मेरी मम्मी ऐसे ही स्टॉल्स वगैरह दुपट्टे डालती हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अच्छा, इसकी लेंथ है 2.25 मीटर। अगर आप अनस्टिच सूट लेते हो ना, ड्रेस मटेरियल लेना चाहते हो मीशो से, तो आप ये वाला ज़रूर ले लेना, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। नेक्स्ट एंड लास्ट आइटम आई हैव इज़ दिस वेरी वेरी ब्यूटिफुल सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड रिंग। दिस इज़ द रिंग, दिस इज़ द स्टेटमेंट पीस जो कि मैंने लिया है मीशो से, और आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहा है। मैं ज़रा पास से अगर आपको दिखाऊँ ना, इसकी डिज़ाइन इतनी सुंदर है ना, ये हार्ट वाली डिज़ाइन बनी हुई है। देन आपको ऐसे घुंघरू मिलते हैं इसमें, बहुत सुंदर लगती है, एंड एडजस्टेबल भी है, एंड यू कैन सी कितनी प्यारी लग रही है। तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी अगर आपको पसंद है तो ये वाली ज़रूर खरीद लेना, आजकल ट्रेंड में भी काफ़ी ज़्यादा है ये। एंड ये तो आप किसी भी एथनिक वियर पे पहन लो यार, मज़ेदार है एकदम। सो गाइज, दैट वॉज माई मीशो हॉल। आई होप आपको ये आइटम्स पसंद आए होंगे, लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएंगे, चेक कर लेना। ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हैं आप। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।